चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब 2.9 न्यूटन पावर 18 नियॉन प्लस 1, अच्छा 9 आयन मूव टू राइट ईच सेकेंड व्हाइल 1.2 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन मूव टू ठीक है लेफ्ट पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ठीक है द करंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा सबसे पहली बात देखो नियॉन ट्यूब में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है नियॉन प्लस आयन का, प्लस का मतलब एक प्रोटॉन ठीक है करेक्ट है, इतने प्रोटॉन हैं ठीक है जो मूव कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, राइट इधर है तो राइट डायरेक्शन में, अगर नियॉन प्लस मतलब ये एक प्रोटॉन की तरह ट्रीट करो इसको, कितने हैं 2. इतने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 2.9 इंटू 10 to the power 18, वो मूव कर रहे हैं किधर राइट डायरेक्शन में ठीक है, राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, तो इसकी वजह से जो करंट होगी, करंट ड्यू टू प्रोटॉन क्या होगा क्यू बाई टी होता है करेक्ट है, ड्यू टू प्रोटॉन का चार्ज डिवाइड बाई पर सेकेंड बोल रहा है ना, तो क्यू बाई टी की वैल्यू एक सेकेंड में वन सेकेंड में, तो ये वैल्यू होगी 2.9 इंटू 10 to the power 18 नंबर हो गया इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10 to the power -19 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। अच्छा दूसरा अब इधर 1.2 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, क्या है इलेक्ट्रॉन है और उसका नंबर कितना है इलेक्ट्रॉन का 1.2 इंटू 10 टू पावर 18 ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसकी वजह से करंट कितनी होगी, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन वो होगा क्यू ई अपॉन टी, क्यू ई की वैल्यू एनी इंटू ई अपॉन टी कर दो, एनी की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू पावर 18 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1, तो अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ऑब्वियस बात करंट ये वाली जो होगी इलेक्ट्रॉन की वैसे वो तो राइट साइड में होगी ना, लेफ्ट टू राइट होगी, इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट टू लेफ्ट, तो नियॉन यानी नियॉन आयन यानी प्रोटॉन की वजह से जो करंट होगी वो भी राइट साइड में, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट राइट साइड में, तो दोनों करंट जुड़ जाएंगे ना, नेट करंट की बात करें अगर या टोटल करंट की बात करें ठीक है तो वो दोनों ही जुड़ेंगी ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 2.9 इंटू 10 टू पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.2 इंटू 10 टू पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना आना चाहिए 2.9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 प्लस 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, ये नेट करंट होगी। अब इसको मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस नहीं है इधर, तो नेट करंट कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट कर लें, मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं फिर लिख देते हैं कितना होगा, ये हो गया 2.9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 कितना आ रहा है 4.64 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 प्लस ये कितना आ रहा 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 ये आ रहा 1.92 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 ठीक है, और ये हो जाएगा 0.464 प्लस 0.192 दोनों को ऐड कर दो 4.6 हो गया 9.15 5 and 6 तो 0.66 के आसपास आ रहा है 0.66 नेट करंट कितनी आ रही है ऑलमोस्ट 0.66 एम्पियर आ रही है और राइट साइड में होगी करंट का डायरेक्शन राइट साइड में कौन सा 1.66 टुवर्ड्स राइट ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।